आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन कसा। चिकन कसा आप लोग रेस्टोरेंट का जैसा बना सकते हैं अपने घर पे ही। उसके लिए ज़्यादा कुछ ग्रेवी व्रेवी चाहिए नहीं, बस मैं शॉर्टकट तरीके में बताऊंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। प्याज और टमाटर को भी हम लोग पेस्ट कर लेंगे ताकि जो हम लोग को ग्रेवी बने वो ठीक रहे, मोटा रहे, इसलिए हम लोग इसको भी पेस्ट कर ले रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं हम लोग का प्याज और टमाटर पेस्ट हो गया। इसके लिए फिर चिकन कसा बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा छौकन के तौर पे जैसे हम लोग यूज़ करेंगे दालचीनी, इलायची, लौंग, ब्लैक पेपर का हॉल और वाइट पेपर का हॉल। इसके बाद में हम लोग इस तरीके से इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास में टाइम नहीं है ग्रेवी बनाने का, तो फिर इंस्टेंट बनाना है हम लोग को, तो फिर इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। डालेंगे दालचीनी, ये सब जो हम लोग बताए थे आपको, ये हम लोग थोड़ा डाल लेते हैं। तब तक हम लोग फिर इसमें काश्मीरी चिली ऐड करेंगे कलर के लिए, इससे बताइए अच्छे होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो प्याज का पेस्ट किए थे आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ये पक रहा है, तो इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, हल्का ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आगे का इसमें जो इंग्रेडिएंट है मसाले हैं उसके बाद में हम लोग डालेंगे। जैसे इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिर्चा डालेंगे, हल्दी, जीरा, धनिया, ये सब मसाले जाएंगे इसमें। तो अभी हम लोग फिलहाल बना ले रहे हैं, उसके बाद में सब मसाले डाल देंगे हम लोग। आप लोग देख ले रहे हैं कि हम लोग का प्याज थोड़ा जो भुना गया है, अब इसमें हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब चम्मच भी यूज़ करते हैं, चम्मच से दो चम्मच यूज़ कीजिए, क्योंकि एक प्लेट बन रहा बना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट लेते हैं। इसके बाद हम ले लीजिए लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा हम लोगों ने ऐड कर दिया। अब इस मसाला को भूनने का वेट करते हैं, मसाला को भूनते हैं। इसमें हम लोग अब नमक भी ऐड करेंगे, नमक आप लोग स्वाद अनुसार यूज कीजिए। अब मसाला देख रहे हैं अच्छे तरीके से भून चुका है, तब इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। को पकने लिए देते हैं, छोड़ देते हैं थोड़े कुछ देर के लिए। अब देख पा रहे हैं हम लोग का चिकन पक रहा है, इसमें हम लोग हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, इसलिए चिकन को थोड़ा सा अच्छा से जब बॉईल हो जाएगा तब इसके आगे का प्रोसेस इसमें करेंगे, चिकन को अच्छा तरह से पक। अब देख पा रहे हैं कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अब ये थोड़ा और पकेगा, चिकन बॉईल हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग ऊपर से गर्म मसाला ऐड करेंगे, धनिया पत्ता ऐड करेंगे। फिलहाल अभी इसको और पकने देते हैं क्योंकि चिकन अच्छे तरीके से बॉयल नहीं हुआ है। अब देख पा रहे हैं अभी अच्छे तरीके से बॉयल होगा, उसके बाद में हम लोग ऐड करते हैं। ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, ये मेरा खुद का हाथ से बनाया हुआ खुद का गरम मसाला है, इसका भी प्रोसेस मैं बाद में बताऊँगा, कभी खुद सब में वीडियो बनाऊँगा। तो ये रहा कोरिएंडर लीव, हम देख पा रहे हैं कि हम लोग का चिकन कसा जो है वो रेडी है।